आपका क्वेश्चन है सॉल्व द इक्वेशन, क्या दिया हुआ है, 2 बाई 3x प्लस 2y प्लस 3 बाई 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 17 बाई 5। और दूसरा है आपका 5 बाई 3x प्लस 2y प्लस 1 बाई 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। तो इसको अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो इसमें क्या है आपका, आप देखो यहां पर डिनोमिनेटर्स में आपके दोनों वैल्यू सेम है, दोनों इक्वेशन में है ना, 3x प्लस 2y, और यहां पर है 3x माइनस 2y और यहां पर भी है 3x माइनस 2y। तो इसमें हम क्या करेंगे, वी विल गो फॉर रिडक्शन मेथड और यू कैन से रिड्यूसिबल मेथड, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। तो रिड्यूस कैसे करेंगे, हम करेंगे वन बाई 3x प्लस 2y दैट इज इक्वल टू a एंड 1 बाई 3x माइनस 2y दैट इज इक्वल टू b, ठीक है। तो ये वैल्यू सब सब्स्टिट्यूट करेंगे हम इसकी जगह पे, तो हमारे इक्वेशंस कैसे आएंगे, फर्स्ट इक्वेशन हमारा कैसा आ जाएगा, 2a टू और ये हमारा a है, 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 17 बाई 5, ठीक है। और सेकेंड इक्वेशन हमारा कैसे आ जाएगा, 5a प्लस b इज इक्वल टू 2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो फर्स्ट वाला इक्वेशन आपका कैसा आ जाएगा, आपका आ जाएगा 10a प्लस 15b इज इक्वल टू 17, है ना। आपका ये वाला फर्स्ट इक्वेशन था, ये सेकंड, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये वाला अब हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। नाउ अब क्या करना है आपको, दोनों में से ए और बी, वैसे ए को हमको एलिमिनेट करना है, तो इसके अंदर आप कुछ भी एलिमिनेट कर सकते हो, तो हम यहां पर एलिमिनेट करेंगे ए। तो एलिमिनेट ए, तो ए एलिमिनेट कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या है कि उसे कोएफिशिएंट्स को इक्वल करना है। अब तो इसके कोएफिशिएंट्स हमारे देखो कैसे हैं, एक में 10 है, एक में 5 है, तो इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाला इस इक्वेशन में इनटू 2 कर देंगे, तो हमारे दो इक्वेशंस फिर से निकल के आएंगे। क्या आएंगे, एक तो जिसको हमने चेंज नहीं किया वो, और दूसरा 2 इंटू समथिंग, तो 2 इंटू 5 इज 10, 10 ए प्लस 2 इंटू बी इज 2 बी एंड 2 इंटू 2 इज 4। और फर्स्ट वाला हमारा क्या था, 10 ए प्लस 15 बी इज इक्वल टू 17। अब क्या करेंगे हम इसमें, यहां देखो दोनों पॉजिटिव हैं, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो एक इक्वेशन की पूरी साइंस चेंज हो जाएंगे, माइनस प्लस है तो माइनस, यहां प्लस है तो माइनस। नाउ तो आपका क्या आ गया, 10a माइनस 10a गेट कैंसल, और यहां पर क्या आ गया आपका, प्लस 2b माइनस 15b इज माइनस 13b That is equal to 4 minus 17 is minus 13. तो minus and minus get cancelled. तो b आपका क्या आ गया, b is equal to 13 by 13. That is equal to 1. अब हम a की value निकालेंगे, तो a की value के लिए आप
ये दोनों में से किसी में सब्स्टिट्यूट कर दो, तो हम फर्स्ट वाले में कर देते हैं, दैट इज टेन ए वाले में। तो आपका क्या आ गया, टेन ए प्लस टू बी, टू इंटू बी इज वन, दैट इज इक्वल टू फोर। तो क्या हो गया आपका, टेन ए इज इक्वल टू फोर, टू इंटू वन इज टू, और राइट साइड में गया तो माइनस टू, माइनस टू। तो क्या आ गया आपका, टेन ए इज इक्वल टू टू, फोर माइनस टू इज टू, तो ए आपका क्या हो गया, टू बाई टेन। कट करेंगे तो हमारा क्या आ गया, ए इज इक्वल टू वन बाई फाइव, और बी हमको वन मिला था, वो भी हम लिख देते हैं, बी इज इक्वल टू वन। नाउ बट ए इज इक्वल टू वन बाई थ्री एक्स प्लस टू वाई, तो वही चीज हम वहां पर लिखते हैं, ए इज इक्वल टू वन बाई थ्री एक्स प्लस टू वाई, दिस इज इक्वल टू वन बाई थ्री एक्स प्लस टू वाई, और बी हमारा क्या था, वन बाई थ्री एक्स माइनस टू वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आपका क्या आएगा, तो अब आपका क्या आ जाएगा, पहला इक्वेशन ए के साथ क्या आएगा आपका, थ्री एक्स प्लस टू वाई दैट इज इक्वल टू फाइव, और बी के साथ क्या आएगा आपका, थ्री एक्स माइनस टू वाई दैट इज इक्वल टू वन। ऐड कर दो तो आप देखोगे प्लस टू वाई माइनस टू वाई गेट कैंसल, और यहां पर क्या हो गया, 3x एंड 3x इज 6x, 6x इज इक्वल टू 5 प्लस 1 इज 6, तो x इज इक्वल टू 6 बाय 6, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 1। अब b की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू को आप ये दोनों में से किसी में एक में सब्स्टिट्यूट कर दो, तो हम फर्स्ट वाले में सब्स्टिट्यूट करते हैं, दैट इज 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, तो हमारा क्या आ जाएगा, 3x दैट मीन्स 3 इंटू 1 प्लस 2y इज इक्वल टू 5, तो 3 हो गया, 3 प्लस 2y इज इक्वल टू 5, तो 2y हमारा क्या हो गया, 5, एंड 3 राइट में गया तो माइनस 3, तो 2y इज इक्वल टू 5 माइनस 3 इज 2, तो y इज इक्वल टू 2 बाई 2, दैट मीन्स y इज इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू भी 1 आ गई, x की वैल्यू भी हमारी 1 आ गई।